प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पाल रासू ने कहा, मंडी संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम व टेंडर वोट के लिए मतपत्रों का मुद्रण निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार हुआ संपन्न। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी बलदेव ठाकुर के पक्ष में मांगे वोट। कहा, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास के दम पर भाजपा प्रत्याशी अपनी जीत करेंगे सुनिश्चित। प्रदेश में 30 अक्टूबर को होने वाले चुनावों के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। भाजपा ने कांग्रेस पर चुनाव आयोग में गलत शिकायत दर्ज करवाने का लगाया आरोप। वहीं कांग्रेस ने भाजपा को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से भटकने का लगाया आरोप। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दूसरे दिन देवी देवताओं की अस्थायी शिविरों में हो रही विधिवत पूजा अर्चना, वाद्य यंत्रों की देव धुनों पर भक्तिमय हुई कुल्लू घाटी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लाहौल मंडल के 32 पंचायतों के नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को आज SDM प्रिया नागटा ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। विश्व खाद्य दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम हुए आयोजित। जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान नाहन में महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के पारंपरिक उत्पाद तैयार कर लगाई प्रदर्शनी। स्टेट विजिलेंस की टीम ने फर्जी परमिट के आधार पर ऊना में अवैध शराब की सप्लाई कर रहे ट्रक को पकड़ने में कामयाबी की हासिल। 900 शराब की पेटी की बरामद। नाहन में जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का हुआ समापन। प्रतियोगिता में 46 बैडमिंटन खिलाड़ियों ने लिया भाग। कोविड-19 के कारण लंबे समय बाद हुआ चैंपियनशिप का आयोजन। कोरोना रोधी टीके की दूसरी डोज लगवाने के लिए उपायुक्त चंबा DC राणा ने लोगों से किया आह्वान। कहा, जिला में कम हुआ कोरोना रोगियों का आंकड़ा। हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। कल से प्रदेश में करवट लेगा मौसम। 17 अक्टूबर को भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट।